बहुत शक्ति है कहते हैं इस जगह पे। बहुत कम लोग यहाँ पर जा पाते हैं जिनके ऊपर माँ की कृपा है। मैंने जूम करके आपको दिखाया था और अब देखिए कितनी ऊंचाई पर यह जगह है। बगल के पर्वत सब बादलों से घिरे हुए हैं। माता जी के पास से बादल हट गए थे तो मैं आपको दर्शन दे सका। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर है ये। जय काली माता। अब हम कार्तिक स्वामी जी के मंदिर के पास आ चुके हैं। ये वो पहाड़ है माता जी का निवास स्थान काली माता का। ये बादलों से ढके हुए पहाड़ और ये वो रास्ता है जिस पर से हम आए हैं। वहां तक तो काफी आसान था, सांस हल्की फूल रही थी, लेकिन वहां से अब तक का जो रास्ता है बहुत खड़ी चढ़ाई है, सांस पूरी फूल रही है। और वो हमारे दो यात्री आपको दिख रहे हैं, प्रशांत और मनोज, और बाकी के यात्री वो पीछे आ रहे हैं। ये हम पहुंचे हैं कार्तिक स्वामी जी के मंदिर में। दोपहर के 3 बज गए हैं। ये उनका वाहन मोर है। ये मंदिर का एंट्रेंस है। अंदर फोटो निकालना मना है। ये यहाँ के पुजारी जी है जिनसे हमने प्रसाद लिया अभी। और ये यहाँ का नज़ारा है। और वो जहाँ ये आपको जो दिख रहा है ये माता जी का स्थान है। एंट्रेंस में एक साइड पे गणेश जी भी बैठे हैं। ये मंदिर का तालाब है। यहाँ पर प्रसाद बनता है और वो वहाँ माता जी का मंदिर है जहाँ पर हम अभी जाएंगे। 11 बजे चलने को हमने आरंभ किया और अब करीब 3:30 बज गए। हम पहुंच गए कार्तिक स्वामी जी के मंदिर पे, दर्शन करके ऊपर आए मराली माता के दरबार में। खुले में माता जी का बैठक है, मंदिर है। और आगे आपको बताएंगे हमारे लीडर राम जी। बताइए राम जी। सर, ऐसा है कि ये जो मंदिर है माता मराली जी का, ये सदियों पुराना है। सदियों से माता यहीं प्रकट हुआ करती थी, यहीं रहती है। इसका जो पुराना प्राचीन मंदिर है वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है, इस पत्थर पे है। यहाँ पे प्रकट हुई थी और उसके बाद यहाँ पे आई है। यहाँ पे कोई मेला वगैरह लगता है? नहीं, मेला नहीं होता यहाँ। जैसे आते जाते अच्छा, कंटिन्यूस आते जाते रहते हैं यात्री।
आते जाते रहते हैं। बैसाखी को दरबार खुलता है 13 अप्रैल को। हाँ। उसका दरवाजा मतलब बंद करके जाते हैं हम नवंबर में कहने करते हैं 25 नवंबर को इतनी तारीख को ना। हाँ। बंद कर देते हैं इसको। अच्छा। फिर उसके बाद कोई लोग नहीं आता यहाँ पे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पे 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन। 25 नवंबर से 13 अप्रैल को ये बंद रहता है। यहाँ पूरा बर्फ रहता है। बर्फ रहता है तो ये भी ढक जाता है। हाँ, ढक जाता है, ये बर्फ में ढक जाएगा ये। फिर 13 अप्रैल को यहाँ पे यहाँ के पुजारी लोग बाहर से जितने भी यात्री जितने भी मतलब जो भी आते हैं वो यहाँ पे आके 13 तारीख को ये जो मंदिर है कार्तिक स्वामी का ये खोलता है। अच्छा। उसके बाद फिर यात्रु आना जाना शुरू लगा रहता है। जय माता दी। और ये जो सब यहाँ पर आपको हमको त्रिशूल नजर आ रहे हैं, मन्नत की हुई, ये मतलब जो यात्री लोग आते हैं मन्नत होती है करते हैं। अच्छा। वो मतलब लेके आते हैं साथ। अच्छा, जिसकी मन्नत पूरी होगी वो लेके आएगा। अच्छा, मन्नत पूरी होने के बाद। हाँ जी, ये त्रिशूल चढ़ाया जाता है माता जी को। और वहाँ पर आपको वाटरफॉल भी दिख रहे हैं और ग्लेशियर भी दिख रहा है नीचे। आते समय भी हमने एक ग्लेशियर देखा था नीचे, छोटा वाला था, ये दूसरा वाला। ये हमारे कैमरामैन मनोज जी हमेशा पीछे कैमरा के पीछे रहते हैं, अब नजर आ रहे हैं। बस बस। कार्तिक स्वामी मंदिर के बाहर हम एक छोटे से जगह पे खाना खाने बैठे हैं। दाल चावल प्याज अचार, बहुत मजा आ रहा है। नीरज, ज्योत्सना, मनोज बेटा आपका नाम क्या है? कार्तिक। अरे वाह, ये अपने कार्तिक स्वामी है जिन्होंने हमको एकदम मजेदार खाना खिलाया है। राम जी अपने हमको सर्व करके बैठे हैं, नेक्स्ट वो खाएंगे। दीपू जी खाना का मजा ले रहे हैं, गर्मा गर्म खाना। जय राम जी की। ये प्रशांत, एक मिनट लाइट जला देना, दो ये दीपक टी। और अगर कोई उस तरफ लेवे तो मैं प्लेट उठा दो हाथ में। और ये मेरा बोल है, ये देखिए दाल प्याज। और अब अचार। जय भोले की। जय भोले। खाली बटन मार दीजिए बीच का, बंद कर दे। ओके। शाम के 6 बज गए, 4 बजे कार्तिक मंदिर से हम निकल के उस तरफ से वो जो बादल आपको दिख रहे हैं वहां पर कार्तिक स्वामी जी का मंदिर था। वहां से हम पहाड़ उतर के नदी के ऊपर दो छोटे पुल हैं, दोनों पुल पार करके इस तरफ आए
और ये छोटा पगडंडी का रास्ता है, दोनों तरफ घास भरा हुआ है, चलने को काफी तकलीफ हो रही है, काफी बड़ी चढ़न है। और अब ये चढ़न आपको हम चलते चलते दिखाएंगे कि कैसा रास्ता है और घास कैसी है। चलो जय भोले जी। जय भोले। एक काम करो, ये सब देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम का परमिशन और मुश्किल हो जाएगा। जय भोले की। जय भोले की। अब मैं आगे जाते जाते आपको इसी ट्रैक पे लेके जा रहा हूं। दोनों तरफ झाड़ है, ये देखिए, इनको हटा हटा के हमको रास्ता बनाते बनाते ऊपर चढ़ना है। बीच बीच में ऐसे खुले स्पॉट है जहां पर हम आराम कर सकते हैं। ये राजमा की खेती है और ये यहाँ के नजारे, पहाड़ों के नजारे और नजारा कितना खूबसूरत है। देखो हिमालय की वादियाँ, हमारे सभी यात्रियों का कमेंट्री आपको मिलते रहता है, आनंद लीजिए जैसे वो आनंद ले रहे हैं। वो सूर्य भगवान देखिए बादलों के पीछे छुपा है। यहाँ पर 8 बजे तक रोशनी रहती है और उससे पहले हम हमारे कैंप में पहुंच जाएंगे। जय भोले की। जय भोले। और एक खतरनाक रूट मनोज अपना रास्ता बना के जा रहे हैं। आइए आइए, पीछे पीछे मैं जाऊंगा, पकड़ा इसको, मुझे मेरा रास्ता बनाना पड़ेगा। ये देखिए, चलो जय भोले की। बहुत खूबसूरत फूल भी है और चुभने वाले कांटे भी, चुभने वाले कांटे भी है। चढ़न का रास्ता है, हमको वहां तक जाना है और उन पेड़ों के पीछे हमारा आज का कैंप होगा। हम 4 यात्री यहां तक पहुंचे हैं, बाकी के 4 काफी पीछे हैं। शाम के 7:40 बज गए हैं और यहाँ का उजाला देखिए, ये नजारा देखिए, ये नदी देखिए और मेरे साथियों के कमेंट्स भी सुनते रहिए। सभी दिख रहा है यहाँ, सिर्फ हमारा कैंप नहीं दिख रहा है। नहीं, वो है ना, वो जार के पीछे। हाँ, बहुत टाइम से हमारे जो लाइजन ऑफिसर या लीडर है राम जी, हमको दिखा रहे हैं वो झाड़। देखो ये झाड़, आपको भी दिखाता हूँ।
अभी भी हमको यही बोले कि वो झाड़ देखो, वो झाड़ के पीछे एकदम फ्लैट है और वहीं पे हमारा कैंप है। ऐसे चार बार हो चुका है। हाँ, चार बार ऐसे झाड़ आए, चार बार हम पीछे पहुंचे और चारों बार कैंप नजर नहीं आया। अब देखते हैं, अंधेरा होने से पहले हम कैंप पहुंचते हैं या फिर अंधेरे में अपने को चलना पड़े। जय भोले की। जय भोले। ये मेरे साथी देखिए, ये मुझे देखिए और ये हमारे लीडर को देखिए। ज़ूम करो उनको। पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है, सब पूरे थके हुए हैं। यहाँ पर डिस्टेंस के हिसाब से ट्रैक नहीं किया जाता है भाई। आप एक घंटे में ट्रैक के हिसाब से डिस्टेंस मापा जाता है। हाँ, ये आज सुबह से हम चलते हैं, कंटिन्यूस 11 बजे से चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं और कितना डिस्टेंस कवर किया हमको पता नहीं, लेकिन पूरे थक गए हैं। जय भोले की। जय।